बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अनदर नर्व ऑफ द अपर लिम विच इज़ द एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व को हम किस तरह से देखेंगे, एज़ यूजुअल जैसे कि हमने देखा। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, एक्सिलरी नर्व जो है इट्स द मेजर पेरिफेरल नर्व ऑफ अपर लिम जो कि अराइज करती है फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो एक्सिलरी नर्व को हम किस तरह से देखेंगे, वी विल सी इट्स स्पाइनल रूट्स, इट्स मोटर फंक्शन, इट्स सेंसरी फंक्शन, और इसका एनाटॉमिकल कोर्स। तो अगर हम इसके स्पाइनल रूट्स की बात करें तो इसके स्पाइनल रूट्स में आ जाते हैं हमारे पास C5 एंड द C6। चूँकि जो आपकी एक्सिलरी नर्व है इट्स द डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड जो है, हमें पता है पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बना था। पोस्टीरियर डिवीजन आई थी तीन ट्रंक से, इन्फीरियर ट्रंक की भी और मिडल ट्रंक की भी और सुपीरियर ट्रंक की भी। पोस्टीरियर डिवीजन्स आई थी, उन्होंने आके मिलके बनाया था हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड बनाया था। आगे फिर पोस्टीरियर कॉर्ड टू ब्रांचेस देता है, दैट इज़ द एक्सिलरी नर्व एंड द रेडियल नर्व। अब यहाँ पर हम जो कर रहे हैं दैट इज़ द एक्सिलरी नर्व। तो ये आपने याद रखना है, जितनी भी ब्रांचेज हैं कॉर्ड से जितनी भी ब्रांचेज निकलती हैं वो किस रीजन में निकलती हैं, एक्जिला में निकलती हैं। तो अब हम एनाटॉमिकल कोर्स में देखेंगे, जो एक्सिलरी नर्व है वो ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट करने के बाद पोस्टीरियर कॉर्ड में आई। तो पोस्टीरियर कॉर्ड आगे एक्जिला के अंदर डिवाइड होगा एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल कॉर्ड। तो ये जो एक्सिलरी नर्व है ये एक्सिला रीजन से अराइज करने के बाद आगे कहाँ कहाँ पे मूव कर रही है विद इन द अपर लिम, कहाँ कहाँ पर ये अपनी ब्रांचेस दे रही है और कहाँ पर ये आगे जाके टर्मिनेट हो रही है। सो बिफोर वी कम टू लर्न ऑल दिस पॉइंट, सबसे पहले हम एक डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। यू कैन सी दिस डायग्राम, और इस डायग्राम को देखें किस तरह से एक्सिलरी नर्व जो है वो अपना कोर्स, अपना एनाटॉमिकल कोर्स विद इन द अपर लिम कर रही है कंप्लीट। उसके बाद हम इसका रिटर्न वर्क देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द नर्व रूट्स ऑफ द एक्सिलरी नर्व। तो जो एक्सिलरी नर्व के जो रूट्स हैं दैट आर द C5 एंड द C6। अब एक्सिलरी नर्व अराइज कर रही है फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड से। यू कैन सी थ्री कॉर्ड्स हियर, लिटरल कॉर्ड, और फिर हमारे पास है पोस्टीरियर कॉर्ड एंड देन द मिडिल कॉर्ड। अब ये जो तीन कॉर्ड्स हैं दे आर नेम्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी, तो अब जब ये तीनों कॉर्ड्स अराइज करते हैं यहाँ पर दैट इज़ द एक्सिला रीजन, तो जब ये एक्सिला में पहुँचते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं ब्रांचेज में। अब हमारा जो पोस्टीरियर कॉर्ड है टू ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, यू कैन सी। अब एक ब्रांचेज की है एक्सिलरी नर्व और जो दूसरी ब्रांच है दैट इज़ द रेडियल नर्व। तो यहाँ पर हम जो करें दैट इज़ एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व को हम लेटर करेंगे। तो जो एक्सिलरी नर्व का जो एनाटॉमिकल कोर्स है, जब वो एक्सिला में आई तो अब एक्सिला में इट इज़ लाइंग पोस्टीरियरली टू द एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पर अगर पोस्टीरियर, तो इसके फ्रंट पर होगी ना एक्सिलरी आर्टरी, तो पोस्टीरियरली क्या है हमारे पास एक्सिलरी नर्व है। और एंटीरियरली इसके जो मसल है दैट इज़ द सबस्कैपुलरिस मसल, जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला पर है, सबस्कैपुलर फोसा पर वो अटैच है। तो यूँ एक्सिलरी नर्व के पोस्टीरियरली होगा एक्सिला रीजन में एक्सिलरी आर्टरी और एंटीरियर होगा सबस्कैपुलरिस मसल। इसके बाद उसको इनर्वेट करने के बाद जो सबस्कैपुलरिस मसल है उसके इन्फीरियर बॉर्डर को इनर्वेट करती है। अब वहाँ पर उसने एग्जिट करना है। अब ये एग्जिट किस तरह से करती है, वी आर द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। यू कैन सी अ क्वाड्रेंगुलर स्पेस हेयर। अब क्वाड्रेंगुलर स्पेस के हैं फोर बॉर्डर्स। तो ये फोर बॉर्डर्स और इसके कंटेंट्स क्या हैं, तो यू कैन सी इसमें से एक नर्व पास कर रही है और एक आर्टरी पास कर रही है। तो जब हमारी जो एक्सिलरी नर्व है इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस से निकल कर इसको जब एग्जिट करेगी तो अकम्पनाइंग जो इसकी आर्टरी मुका रही है दैट इज़ द पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। तो इसको ये दोनों कंटेंट्स भी हैं ऑफ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, जिसको हम आपको बाद में बताते हैं, पहले आप कोर्स अंडरस्टैंड कर लें। तो यूँ क्वाड्रेंगुलर स्पेस को लीव, पोस्टीरियर एस्पेक्ट को लीव किया एक्सिलरी नर्व ने वी आर द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, और इसके अलांग जो आर्टरी मुकारी दैट इज़ अ पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। अब जैसे ही ये मूव की
वहाँ पर यू कैन सी ये अगेन हमारे पास अब एक्सिलरी नर्व को बस आप देखें तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से निकलने के फ़ौरन बाद इसने टू ब्रांचेस दे दी, इसने टू ब्रांचेस दे दी, एक जो है तो एक अगेन पोस्टीरियरली मूव कर रही है और एक जो है वो एंटीरियरली मूव कर रही है। तो पोस्टीरियरली जो नर्व मूव कर रही है, जो ब्रांच मूव कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड द पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच और इसकी एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच। इट मीन्स ये यहीं पर टर्मिनेट भी कर रही है साथ ही। तो पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच जो है यू कैन सी ये इनर्वेट कर रही है आपके टेरिस माइनर मसल को और जो स्किन उसको टेरिस माइनर मसल को मोटर इनर्वेशन देगी और जो स्किन होगी ना डेल्टॉइड के ऊपर जो स्किन होगी उसको क्यूटेनियस इनर्वेशन देगी। लाइक वाइज उसकी जो एंटीरियर ब्रांच होगी यहाँ पर जो आपका जो डेल्टॉइड मसल होगा उसको मोटर इनर्वेशन देगी। सो और ये सारा कहाँ पर हो रहा है विद इन द पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन और जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है इट इज़ ऑल्सो इन द पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल कोर्स। नाउ लेट्स सी इट्स रिटन वर्क विच इंक्लूड्स द सेंसरी फंक्शन एंड द मोटर फंक्शन एंड द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। सो यू हमने एक्सिलरी नर्व का एनाटॉमिकल कोर्स अंडरस्टैंड किया फ्रॉम द डायग्राम। सो नाउ लेट्स सी इट्स रिटन वर्क। तो स्पाइनल रूट्स हैं इसके C5 एंड द C6। अब एनाटॉमिकल कोर्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड इन द एक्सिला और पीछे से ये पोस्टीरियर कॉर्ड की कंटिन्यूशन है एंड द नर्व रूट्स आर द C5 एंड द C6। अब एक्सिला के अंदर इट लाइज पोस्टीरियर टू द एक्सिलरी आर्टरी एंड एंटीरियर टू द सबस्कैपुलरिस मसल। अब जो है सबस्कैपुलरिस मसल के इन्फीरियर बॉर्डर तक ये एक्सटेंड करेगी, वहाँ पर एक्सटेंड करने के बाद ये एग्जिट कर देगी एक्सिला को। एक्सिला को एग्जिट के साथ किस तरह से करेगी विया द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस से जब ये निकल रही होगी तो इसके अलॉन्ग जो आर्टरी मूव करती है दैट इज़ अ सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। क्वाड्रेंगुलर स्पेस को एग्जिट करने के फ़ौरन बाद ये देती है टू ब्रांचेस, दैट इज़ अ पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच एंड द एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच। तो जो पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच है इट इनर्वेट्स द टेरिस माइनर मसल जो कि मोटर इनर्वेशन है इसकी वहाँ पर, और वह लाइक वाइज ये स्किन ओवर द इन्फीरियर डेल्टॉइड मसल जिसको हम रेजिमेंटल बैज एरिया भी बोलते हैं, तो उस वहाँ पर ये सेंसरी पार्ट अपना काम कर रही है। और लाइक वाइज इसकी जो इंटीरियर ब्रांच है वो इनर्वेट करती है डेल्टॉइड मसल को। और ये दोनों ब्रांचेस पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच एंड एंटीरियर टर्मिनल ब्रांच ये दोनों ब्रांचेस कहाँ पर बनती हैं विद इन द पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल कोर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है इट मीन्स इट्स अ गैप, इट इज़ अ गैप इन द मसल्स कहाँ पर विद इन द पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन। अभी गैप किसके लिए इट एक्स एज द पाथवे फॉर द न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स टू पास। अब ये न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक्जिला में होते हैं, अब वो एक्जिला को वो एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने के लिए क्या है क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। अब एग्जिट करके वो कहाँ पर आ जाते हैं टू द पोस्टीरियर शोल्डर एंड द आर्म में उन्होंने मूव करना होता है। अगेन मैं आपको बताती हूँ न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स ने शोल्डर एंड आर्म में एंटर करना होता है और एक्जिला को एग्जिट करना होता है, तो बीच में जो पाथवे है दैट इज़ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अब क्वाड्रेंगुलर स्पेस की हम बॉर्डर देखें तो क्वाड्रेंगुलर है इट मीन्स इट इज़ द फोर साइडेड। फोर साइडेड मीन्स की हैं सुपीरियर साइड, इन्फीरियर साइड, लेटरल साइड एंड द मीडियल साइड। तो सुपीरियर साइड इज़ फॉर्म बाय द सबस्कैपुलरिस मसल एंड द टेरिस माइनर मसल। इन्फीरियर बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द टेरिस मेजर मसल। लेटरली इज फॉर्म्ड बाय द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस एंड मीडियली द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकी। अब इसको अंडरस्टैंड किस तरह से करना है, आपने यूँ करना है। अब क्वाड्रेंगुलर स्पेस को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे करना है और इनको यूँ रख देना है लाइक इसको नीचे से और ये ऊपर से होगा। तो ये आपको यहाँ पर एक स्पेस नज़र आ रही है दैट इज़ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, और ये स्पेस इसी तरह से पोस्टीरियर स्कैपुलर रीजन में प्रेजेंट होती है। अब इसकी बॉर्डर्स जो हमने देखे, अब यहाँ पर जो मेरी ये लॉन्ग फिंगर ऑफ द राइट हैंड है इट इज़ द सुपीरियर बॉर्डर, और ये जो मसल जिस मसल का टेंडन है जो ये मसल है दैट इज़ द टेरिस माइनर मसल। लाइक वाइज जो इसका इन्फीरियर बॉर्डर है ये इसका था सुपीरियर बॉर्डर और ये इसका इन्फीरियर बॉर्डर, और ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की दैट इज़ इट्स मीडियल बॉर्डर लेटरल बॉर्डर, और ये मेरी लॉन्ग फिंगर होगी लेफ्ट हैंड की दैट इज़ इट्स मीडियल बॉर्डर। अब इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है इज़ फॉर्म्ड बाय द टेरिस माइनर मसल
एंड द सबस्कैपुलर मसल, बेसिकली इट इज़ द टीरीज माइनर मसल, और जो इसका इन्फीरियर बॉर्डर इज फाउंड बाय द टीरीज मेजर मसल। लाइक वाइज इसका जो मीडियल बॉर्डर है इज फाउंड बाय द लॉन्ग हार्ट ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकी मसल, और जो इसका जो लेटरल बॉर्डर है दैट इज फाउंड बाय द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो ये जो बीच में जो यहाँ पर हमारे पास जो बन रही है क्वाड्रेंगुलर स्पेस बन रही है दैट इज़ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, और यहाँ से हमारी जो है टू नर्व्स निकलती हैं दैट इज़ द एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो यूँ हमने क्वाड्रेंगुलर स्पेस को देखा। नाउ लेट्स सी द मोटर फंक्शंस। तो मोटर फंक्शंस टू मसल्स को ये इनर्वेट कर रही है, टीरीज माइनर एंड द डेल्टॉइड मसल को। टीरीज माइनर को पोस्टीरियर ब्रांच, और वहाँ पर इसका काम क्या करना है, टीरीज माइनर इज़ वन ऑफ द रोटेटर कफ मसल्स जो कि स्टेबलाइज करते हैं ग्लेनोहुमेरल जॉइंट को, इसके अलावा रोटेट्स द अपर लिम इंडिविजुअली। ये जो मसल हमारा है टीरीज माइनर। लाइकवाइज जो हमारा डेल्टॉइड मसल है तो लोकेटेड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर डेल्टॉइड मसल, और वहाँ पर जो मोटर फंक्शन है इसका दैट इज़ द एबडक्शन ऑफ द अपर लिम एट द ग्लेनोहुमेरल जॉइंट दैट इज डन बाय द एक्सिलरी नर्व, उसकी टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी नर्व। लाइकवाइज ये सेंट्री फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो पोस्टीरियर टर्मिनल ब्रांच से ही एक ब्रांच है मोटर इनर्वेशन देती है और एक क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है। तो जो इसकी क्यूटेनियस इनर्वेशन दे रही है वो जाके इनर्वेट कर रही है स्किन ओवर द डेल्टॉइड। अब डेल्टॉइड की भी इन्फीरियर पोर्शन की स्किन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रेजिमेंटल बैच एरिया, सो वहाँ पर ये अपनी सेंसरी इनर्वेशन देती है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट हम करेंगे रेडियल नर्व। सो की वॉचिंग दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।